एवरीवन, मैं हूं सुमन रॉय एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हमारे वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि अगर आपके कुंडली में जुपिटर एंड राहु देव का कोई कंजंक्शन हो रहा है तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा। पर उससे पहले, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि ज्योतिष से रिलेटेड कोई भी वीडियोज़ आप मिस ना करें। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, वीडियो का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बातें बताना चाहती हूँ, जो कि ये हैं। आप लोग जब भी कुछ भी कमेंट करते हैं तो कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछने की कोशिश कीजिए जो सार्वजनिक हो, मतलब जिसका आंसर करने में मुझे भी अच्छा लगे और मेरे आंसर से बहुत लोगों को बहुत सारा नॉलेज भी मिल सके, ठीक है। एंड अगर आप अपना पर्सनल कुंडली का पूरा विश्लेषण करवाना चाहते हो देन आप कोई भी नियर बाई एस्ट्रोलॉजर के साथ कंसल्ट कर सकते हो, या फिर आप सिर्फ अगर मुझे से कंसल्टेशन लेना चाहते हैं देन आप मुझे मेल कर सकते हो। वहाँ पे मैं आपको पूरा प्रोसीड्योर समझा दूँगी और मेरा जो भी चार्जेस है वो भी वहाँ पे आप लोगों को बता दूँगी। कमेंट में आप लोग मुझे कोई भी सजेशन दे सकते हो किसी भी टॉपिक के ऊपर, कि इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाइए या फिर उस टॉपिक के ऊपर, फिर मैं उसके ऊपर वीडियो लाने की पूरी कोशिश करूँगी, ठीक है। जो लास्ट थिंग है वो ये है, आप बहुतों का एक मिसकॉन्सेप्शन है शायद नवामशा चार्ट को लेके। देखिए, पहली बात तो ये है, आपका जो भी लगन चार्ट है या फिर बर्थ चार्ट है वो D9 चार्ट के साथ पूरे के पूरा इंटरलिंक्ड है। आई कैन नॉट प्रेडिक्ट बाई ओनली सीइंग योर D9 चार्ट, ओके। D1 एंड D9 चार्ट दोनों को टैली करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल से मैं समझाती हूँ, एक मोबाइल फ़ोन है एंड एक सिम कार्ड है। आप अगर उस सिम कार्ड को अपने मोबाइल फ़ोन में जब तक नहीं डालोगे, क्या वो मोबाइल फ़ोन आपका चलेगा? विदाउट सिम कार्ड आप उस मोबाइल फ़ोन से क्या किसी को कॉल कर सकते हो? तो मोबाइल फ़ोन एंड सिम कार्ड दोनों एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं, ठीक है। एक सिम कार्ड अगर आपके पास है, पर अगर आपके पास कोई मोबाइल फ़ोन नहीं है तो फिर आप वो सिम कार्ड से क्या करोगे? तो वैसे ही आपका D1 चार्ट एंड D9 चार्ट है। आई हैव टू सी बोथ द चार्ट, ओके। D9 चार्ट से आपके D1 चार्ट के जो भी प्लैनेट्स है उसका जो भी ट्रू डिग्निटी है वो हम D9 चार्ट से देख सकते हैं। जैसे कि D9 चार्ट मैरिज के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ऑफकोर्स इम्पॉर्टेंट है, पर सपोज़ किसी के D1 चार्ट में जो वेनस है वो ख़राब पोजीशन में है, वेनस जो कि मैरिज का कारक ग्रह है, आपके मैरिड लाइफ का जो थिंग्स है वो हम वेनस से जोड़ के देख सकते हैं। पर अगर लगन चार्ट में वेनस ख़राब है तो फिर हम नवामशा चार्ट में जाएंगे वहाँ पर देखने के लिए कि वेनस किस पोजिशन में वहाँ पर है। अगर मैंने पाया कि वेनस वहाँ पे नवामशा चार्ट में बहुत अच्छे पोजीशन में है तो फिर मैं आपको एक कंक्लूशन में जवाब दे सकती हूँ, ठीक है। ऐसे करके मुझे देखना होगा, या फिर अगर मैं देख लूँ कि आपके लगन चार्ट में वेनस बहुत अच्छे पोजीशन में है तो मैं वहाँ से ही एक अंदाज़ा लगा लूँगी कि नवामशा में भी ये लगभग अच्छे पोजीशन में ही होगा, क्योंकि लगन चार्ट से सब डिविजनल चार्ट इंटरकनेक्टेड रहता है, ठीक है। ऑल क्लियर, अब चलते हैं टॉपिक के। पहले जान लेते हैं कि जुपिटर क्या डिनोट करता है। जुपिटर आपके जो भी हायर नॉलेज, हायर विजडम, हायर जो भी रिलीजियस बिलीव है, वेल्थ का कारक ग्रह है, फिनेंस से रिलेटेड जो भी थिंग्स है वो हम जुपिटर से जोड़ के देख सकते हैं। ट्रेडिशनल जो भी बिलीव्स हैं वो भी हम जुपिटर से जोड़ के देख सकते हैं। आपके लाइफ में जो भी टीचर, गुरु, वो भी हम जुपिटर से जोड़ के देख सकते हैं। अब राहु देव, जो कि इल्यूशन को डिनोट करता है, जो कि ऑब्सेशन को डिनोट करता है, राहु देव को किसी भी चीज़ को पाना रहता है बाय हुक एंड बाय क्रूक। तो जब भी जुपिटर एंड राहु का आपके कुंडली में कंजंक्शन होता है तो इस कंजंक्शन को एस्ट्रोलॉजिकली गुरुचंडल योग भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि जुपिटर जो कि देवगुरु है, जो कि नॉलेज से रिलेटेड जो जो थिंग्स है वो हम जुपिटर से जोड़ के देख सकते हैं, एंड राहु जो कि एक नेगेटिव एनर्जी ऑफ कोर्स है एंड जो कि चंडाल है, तो इन दो प्लैनेट का जब कंजंक्शन होता है तब भी गुरु चंडाल योग फॉर्म होता है।
अच्छा, अब जो नेक्स्ट थिंग है वो ये है, आप लोग चेक कीजिए कि जुपिटर एंड राहु का डिग्री आपके कुंडली में क्या है। क्या डिग्री वाइज डिफरेंस 12 डिग्री के अंदर है? 0 से लेके 12 डिग्री के अंदर अगर ये डिफरेंस है तो ही ये कंजंक्शन का जो इफेक्ट है वो आपको दिखने को मिलेगा, अदरवाइज़ जो इफेक्ट है वो बहुत ही कम आप लोगों को दिखने को मिलेगा। तो क्या इस योग से हमेशा नेगेटिव रिजल्ट मिलता है? कुछ भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलता, वो ही हम लोग आज जानेंगे। तो देखिए, राहु देव जब भी जुपिटर के साथ कंजंक्शन में आ जाते हैं तो जो नॉलेज है, नॉलेज गेन करने की जो इच्छा है वो नेटिव के अंदर बहुत बढ़ा देते हैं। एंड नेटिव को जितना भी जहाँ से भी नॉलेज मिले वो उस नेटिव को कम ही लगेगा, क्योंकि राहु देव किसी भी चीज़ से सेटिस्फाई नहीं होते हैं। तो यहाँ से हम जिज्ञासु नेचर भी इस नेटिव का देख सकते हैं। एंड ये जो नेटिव रहेगा ज़्यादातर कोई भी रिलीजियस बिलीफ को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेगा, मतलब कोई भी रिलीजियस बिलीफ को ये लोग ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करेंगे। मतलब किसी भी, स्पेशली कोई भी एल्डर पर्सन से जाके ये लोग पूछेंगे कि आप ये पूजा क्यों कर रहे हो, आप इसी दिन में ये रीति रिवाज क्यों मान रहे हो, ये इन लोगों का हमेशा एक क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि इन लोगों को जानना रहता है, ठीक है। पर अगर ये जुपिटर एंड राहु का कंजंक्शन सपोज आपके सेजिटेरियस साइन में हो रहा है, पाइसिस साइन में हो रहा है, कैंसर साइन में या फिर स्कॉर्पियो साइन में, जहाँ पे जुपिटर एग्जॉल्टेड होते हैं, ओन साइन में होते हैं या फिर अपने फ्रेंडली साइन में होते हैं, तो राहु का जो भी नेगेटिव थिंग्स है वो यहाँ पे जुपिटर बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर लेते हैं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं, अगर जुपिटर आपके चार्ट में योग कारक प्लैनेट है, बहुत अच्छे पोजिशन में है, तो यहाँ से बहुत बड़े बड़े स्पिरिचुअल गुरु हम देख सकते हैं, या फिर वो जो पर्सन रहेंगे वो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन रहेंगे। एंड कोई भी उनका अंदर जो टीचिंग की कैपेसिटी है या फिर बहुत अच्छे टीचर हम यहाँ से देख सकते हैं, एक्सीलेंट एक टीचिंग कैपेबिलिटी हम यहाँ से देख सकते हैं। पर ये जो प्रोफेसर या गुरु रहेंगे, इनका जो टीचिंग का वे होगा वो बहुत ही ज़्यादा अलग होगा, क्योंकि राहु जो कि कोई भी सोशल नॉर्म्स के खिलाफ जाके कोई काम करना, वो हम राहु देव से जोड़ के देख सकते हैं। तो ये जो पर्सन होंगे, इनका जो टीचिंग का वे होगा वो ट्रेडिशनल वे में नहीं होगा, या फिर ये लोग कुछ ऐसे सब्जेक्ट के ऊपर पढ़ा सकते हैं जो बहुत ही ज़्यादा अलग हो, मतलब कोई भी ऐसा सब्जेक्ट जो शायद बहुत लोग उनके बारे में नहीं जानते हो, उस सब्जेक्ट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे मैं ऑकल्ट साइंस की बात कर रही हूँ, या फिर कोई भी ऐसा सब्जेक्ट जो बहुत अलग हो, ठीक है, ऐसे करके आपको देखना होगा। इस कंजंक्शन की वजह से ऐसा हो सकता है कि ये जो पर्सन होंगे फॉरेन में जाके इनको अपना जो गुरु है, एक्चुअल गुरु, वो शायद फॉरेन में मिल जाए, क्योंकि राहु फॉरेन एलिमेंट को भी शो करता है, या फिर ये कोई भी फॉरेन इंस्टीट्यूट में, फॉरेन में जाके कहीं पे ये लोग पढ़ा सकते हैं, ये भी चांसेस यहाँ पे बनते हुए दिखाई देते हैं। सपोज़ ये कंजंक्शन किसी के थर्ड हाउस या फिर नाइन्थ हाउस में हो रहा है, जो कि ट्रैवल का हाउस है, स्मॉल डिस्टेंस एंड लॉन्ग डिस्टेंस, तो यहाँ पे देखा जा सकता है ये जो पर्सन होंगे बहुत ज़्यादा तीर्थ यात्रा भी कर सकते हैं इस कंजंक्शन की वजह से। अब अगर ये जो कंजंक्शन है ये ऐसे किसी हाउस में हो रहा है, स्पेशली अगर आर्ट्स साइन में हो रहा है, टॉरस में हो रहा है, या फिर कन्या राशि में हो रहा है, या फिर मिथुन राशि में हो रहा है, जहाँ पे राहुदेव बहुत अच्छे पोजीशन में माने जाते हैं, या फिर राहुदेव का पावर उस सब राशि में बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, तो ये जो पर्सन होंगे फिर मेटेरियलिस्टिक जो गेन है वो इस पर्सन को बहुत अच्छा मिलेगा, या फिर वेल्थ मेटेरियलिस्टिक गेन के पीछे ये लोग ज़्यादा भागेंगे। तो ऐसा देखा गया है ये लोग कोई भी बैंक में नौकरी कर सकते हैं, या फिर कोई भी बहुत बड़ा फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन में ये लोग काम कर सकते हैं। मेटेरियलिस्टिक गेन के लिए ये लोग कौन सा वे अपनाएंगे वो नेटल चार्ट से देख के ही पता किया जा सकता है, क्योंकि राहु को हमेशा शॉर्टकट पसंद रहता है, राहु को बहुत ज़्यादा पेशेंस नहीं रहता, बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें पाना रहता है, तो हम ये नेटल चार्ट से पूरा विश्लेषण करने के बाद ही कुछ कह सकते हैं। जुपिटर एंड राहु का कंजंक्शन अगर किसी पर्सन को बहुत अच्छे स्पिरिचुअल गुरु बना देता है, पर उस पर्सन के अंदर एक सेल्फिश नेचर भी कभी कभी हो सकता है, स्पेशली अगर ये कंजंक्शन नेगेटिव वे में काम कर रहा है, तो अगर पॉजिटिव हो रहा है तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड भी हो सकते हैं, चैरिटी में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रह सकते हैं, ठीक है। पर अगर नेगेटिव हो रहा है तो शायद ये लोग बहुत बड़े जो
मास है उनको ये लोग मिसलीड कर सकते हैं, मतलब कोई भी पर्सन को ये लोग मिसलीड कर दे, ऐसा देखा गया है। मैंने राहु कंजंक्शन के ऊपर पूरा एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने सब प्लैनेट के साथ राहु देव का कंजंक्शन का रिजल्ट वहाँ पे बताया है, तो आप लोग वो भी आई बटन पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। तो जिनके भी चार्ट में जुपिटर राहु का कोई भी कंजंक्शन बन रहा है, मैं उनको यही सजेस्ट करूँगी कि इस जन्म में आप लोग अपने जो भी एल्डर्स हैं उनका बहुत ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पेक्ट कीजिए, अपने माता पिता या फिर जो भी टीचर हैं उनका बहुत ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पेक्ट कीजिए। कोई भी स्पिरिचुअल गुरु के साथ अगर आपकी मुलाकात होती है, अगर उनकी बातें आपको अच्छी भी ना लगे या फिर आपको ऐसा लगे कि ये सब गलत बोल रहे हैं, तो भी आप उनके मुंह पे कुछ मत बोलिए, उनको डिसरिस्पेक्ट बिल्कुल भी मत कीजिएगा। इस जन्म में उनका ज़्यादा से ज़्यादा रेस्पेक्ट कीजिए, या फिर अगर आपके जो भी एल्डर पीपल है आपके घर में ही, अगर उनको आपकी कोई भी मदद की ज़रूरत है तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा मदद कीजिए। आप का जितना भी आप उनका हेल्प करेंगे, उनकी रेस्पेक्ट करेंगे, ये जो कंजंक्शन है ये आपको फिर पॉजिटिव रिजल्ट देना शुरू कर देगा। ठीक है, सो आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज़ लाइक एंड कॉमेंट में अपना ओपिनियन बताना बिल्कुल मत भूलिए। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।